जन जागरण मंच अमृतसर वालों केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन च तिरंगा मार्च भंडारी पुल तो कढ़िया गया। पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान सांसद श्वेत मलिक, विश्व हिंदू परिषद जनरल सकत्तर सुरेंद्र जैन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे रामेश्वर जी, जन जागरण मंच के संयोजक और साबका मंत्री लक्ष्मीकांता चावला उचे तौर पर मौजूद सन। इस मौके पर बुलारिया ने नागरिकता संशोधन बिल न राष्ट्रहित दसिया और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा मता पास कराने पंजाब सरकार की निखेधी की गई। देश में नागरिकता संशोधन बिल लियान लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया गया। पंजाब बीजेपी के बुलारे राजेश हनी, केवल कुमार सकत्तर, राकेश गिल, पंजाब विश्व हिंदू परिषद के प्रधान संतोष गुप्ता, श्री गंगा तीर्थ कमेटी के प्रधान रमेश शर्मा, जनरल सकत्तर अरुण खन्ना, जिला बीजेपी प्रधान सुरेश महाजन, मीत प्रधान सरबजीत सिंह शंटी, सकत्तर सुभाष नरूला, कौंसलर जरनैल सिंह टोट, कौंसलर दविंदर सिंह, कौंसलर अरविंद शर्मा, साबका वाइस चांसलर रजनीश शर्मा, साबका कौंसलर डॉक्टर राम चावला, साबका जिला बीजेपी प्रधान आनंद शर्मा, सुधीर बजरंगी, धर्मपाल शर्मा, पवन कुंद्रा, राकेश शर्मा, अनुज भंडारी समेत वड्डी गिनती विच लोगों ने तिरंगा यात्रा विच भाग लिया। वड्डी गिनती विच संत समाज भी तिरंगा यात्रा च शामिल सी। CAA के समर्थन में पूरा भारत उमड़ रहा है, केवल अमृतसर की जनता नहीं, मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और वो विरोध केवल CAA का नहीं कर रहे, वो लोग जो पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, जिनको रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, उनको इज्जत की जिंदगी देने से जो हम लोगों ने वायदे किए थे, हम उस वायदे से पीछे हट रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, महात्मा गांधी हो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए, उन सब ने आश्वासन दिया था कि हम इन लोगों को भारत में बसाएंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे। CAA कानून बनाने लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करना कि जेड़े पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन जिहड़ा पीड़ित सिगे अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, अज उन्होंने 72 साल बाद इंसाफ मिले और नागरिकता मिली है। और कुछ विपक्षी पार्टियां और विरोधी लोग जड़े ने वो लोगों गुमराह कर रहे ने, और मैं सारे समाज में यह बेनती करांगा कि किसी की भी नागरिकता खोई नहीं जा रही, ये नागरिकता देने का कानून है। कांग्रेस ते होर जिहड़े राजनीति नाल प्रेरित लोग ने जिहड़े जाति दे धर्म दे आधार ते समाज नूं वंडदे ने और बारूद दे ढेर ते बिठांदे ने, उहनां दी गल्लां इह जना आईए। जो लोग CAA का समर्थन कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का दर्द समझते हैं, और जो विरोध करते हैं, आज ही तो खबर है ना पाकिस्तान में 3 हिंदू परिवारों की बेटियां फिर उठा के ले गए, तो उन लोगों को संभालना, अगर वो भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता देना, ये हिंदुस्तान का धर्म है। तो CAA का मतलब ये है कि जो भी लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर उत्पीड़ित होकर के वहाँ से निकाले गए या निकल गए, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का कानून है। बार बार सरकार भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। ये पुरानियां भुलां जड़ियां उन्होंने सुधारन वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और जेड़े हिंदू जेड़े सिख बौद्ध ईसाई उधर झेलते पे ने, उन्होंने लोगों को पता है भी उन्होंने की वापरती हुई है, और ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, जानबूझ के हवा बनाया जा रहा है। दुर्गयाना कमेटी हर तरीके ना ये मूवमेंट च इन्हों के नाल है, जग जागरण वाले और हर सहायता करेगी।